और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी का हंगामा जारी रहा। सिर्फ 2 मिनट में राज्यपाल ने अपना भाषण खत्म किया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन आज नजर आया, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होनी थी राज्यपाल के अभिभाषण से, और राज्यपाल के भाषण के खत्म होने से पहले ही शुरू हो गया हंगामा। बीजेपी विधायकों ने जमकर सदन में नारेबाजी की, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब राज्यपाल विधान भवन के बाहर निकल रहे हैं, राजभवन की तरफ रवाना हो रहे हैं, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्हें सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आई हैं। लेकिन अंदर जोरदार हंगामा हुआ और इसके आसार लगातार जताए जा रहे थे कि आज सत्र की शुरुआत के दौरान ही जमकर हंगामा हो सकता है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, किस वजह से हुई नारेबाजी, किस वजह से हुआ हंगामा? देखिए समीर, सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे बजट सेशन में ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसे ये बजट सेशन शुरू होगा तृणमूल कांग्रेस के साथ राज्यपाल का कोई एक टक्कर दिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरा अलाउड नहीं था और 2019 के बाद ये पहली बार दूसरी बार ऐसा हो रहा था राज्यपाल के भाषण को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। तो इसका अंदाजा हम लोगों को लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने जो यहाँ पे किया उसका अंदाजा बिल्कुल किसी को नहीं था। जैसे ही गवर्नर स्पीच शुरू हुआ, गवर्नर ने अपना स्पीच शुरू किया, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने पोस्टपोल वैलेंस के ऊपर वेल में आके, जो विधानसभा असेंबली के जो वेल है हाउस के अंदर, वेल में आके उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, अपना विक्षोभ प्रदर्शन शुरू किया और हाथ में प्लेकार्ड लेके उन्होंने इतना जोर हंगामा किया कि राज्यपाल ने 2 मिनट के अंदर अपना भाषण खत्म किया। फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ उन्होंने रीड किया, उसके बाद वो यहाँ से निकल गया। लेकिन अलग सा एक बात है कि जब वो ये निकल, रवि मुझे ये बताइए, इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राज्यपाल अभिभाषण के बाद, सत्र की शुरुआत के बाद बाहर आ रहे हैं, राजभवन की तरफ निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बाहर सी ऑफ करने के लिए आई हैं, लेकिन दोनों में कुछ बातचीत चल रही है और ममता बनर्जी थोड़े से शिकायती लहजे में नजर आ रही हैं। क्या हुआ, बातचीत क्या हो रही थी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, कुछ जानकारी है? देखिए, इसी बात का असर मैं कर रहा था कि राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री का हाल ही समय में जो बातचीत हुआ था पत्र के लेकर, और मुख्यमंत्री का ये कहना कि राज्यपाल भ्रष्टाचारी है, फिर राज्यपाल का आरोप लगाना मुख्यमंत्री के ऊपर, इसके बीच उन लोगों का मुलाकात नहीं हुआ था। आज यहाँ पे मुलाकात हुआ तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये लगातार ये राज्यपाल को बोला होगा, उनका कहना ये होगा कि आप इतना ट्वीट ज्यादा मत कीजिए, आप सरकार के खिलाफ इतना मत बोलिए, अगर कुछ है तो उसको प्राइवेट रखा कीजिए, तो यही बात। लेकिन आखिर में अगर आप वीडियो देखेंगे तो दिखा जाएगा मुख्यमंत्री हंस रही है और वहां पे मुख्यमंत्री और जगदीप धनखड़ दोनों एक दूसरे के हंस के बात कर रहे हैं। तो ये अच्छा सिग्नल है हमारा डेमोक्रेसी के लिए, एक सरकार के लिए, कि राज्यपाल के साथ उनका ये भी रिश्ता बरकरार है जहां पे एक दूसरे को हंसने को देखा जाता है, एक दूसरे के सामने खड़ा होकर। समीर, हाँ नहीं, ये बात तो है बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, और खास तौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा, टसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, राज्यपाल के अभिभाषण का दिन था, हालांकि राज्यपाल ने भाषण शुरू ही किया था, हंगामा शुरू हो गया और 2 मिनट ही वो बोल पाए, बीजेपी के जो विधायक थे वो उन्होंने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब इसकी वजह क्या रही, इस पर जरा बात करते हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, ये तस्वीरें तो हमने डिस्क्राइब कर दी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी इस सत्र को लेकर क्या नजर आ रही है रविशंकर दत्ता? फिलहाल यहाँ से स्ट्रेटजी बीजेपी का बिल्कुल साफ है कि आने वाले 9 तारीख तक जब तक ये सेशन चलेगा, बीजेपी का रवैया रहेगा वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उनका यही रवैया रहेगा कि असेंबली को वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि आज अगर जब राज्यपाल आता है, राज्यपाल पूरा राज्य का होता है, कोई पार्टी का नहीं है, अगर उनका स्पीच में ये लोग बाधा डालते हैं तो मुख्यमंत्री जब बात करेंगे, जब बजट स्पीच होगा, जब बजट पढ़ा जाएगा, या तो अलग अलग इश्यूज में पोस्टपोल वायलेंस पे कोई डिस्कशन होगा, या तो फिर कोविड पे ऊपर जो डिस्कशन होगा, वहां पे कैसा हंगामा हो सकता है यहीं पे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और बीजेपी किसी भी तरह ये हाउस को चलने नहीं देगा, यही उनका रवैया अभी तक है। ठीक है,
चलिए शुक्रिया रविशंकर दत्ता, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।